कोई बात नहीं, एक के बात है, कोई बात नहीं। इसका एक्सीडेंट होया लगाई के चक्कर में। उसके बाद देखे गड़ गड़ के क्या करिए, उसके बाद इसका इलाज करवाया, 5-6 लाख लाया मोबाइल नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मंगल कॉलोनी से। कुछ समय पहले हमने आपको गौरव की स्टोरी दिखाई सुनाई कि किस तरीके से इन्होंने ये आरोप लगाए थे अपनी सौतेली माँ पर कि उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया, इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और ये देख सकते हैं आप, 5-6 साल का मासूम बच्चा है, 4-5 साल का अपने बच्चे के साथ दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि एक बार माँ क्या कहना चाहती है, क्योंकि अब हम गौरव के घर पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? आपने इनको घर से बाहर निकाला, इनका ये आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। क्या बात हुई है? बात ये है जी, देखो बात सुनो, इसकी लगाई जा रही है मई के महीने तक, ठीक है। उसके बाद बग्या बग्या पीता, सारे मोहल्ले ने समझाया, सारे मोहल्ले ने समझाया, मैंने भी पुलिस कंप्लेट कर दी, मैंने भी पुलिस कंप्लेट कर रखी है। अच्छा, तो बड़ी छोकरी ना इसका एक्सीडेंट होया, मैंने बड़ी छोकरी भाई फोन करे, छुट्टी भाई भी करा, ये सरकारी अस्पताल में ये कर्मचारी उठा कर लाए, मैं पबलियाल से हूँ, नंबर एक। बोलो बोलो आप क्या। अच्छा, इनका ये आरोप है गौरव का कि आपने इनका सामान भी नहीं दिया, कम से कम इनका सामान जो इनका खरीदे हुए कपड़े हैं वो तो आप दे सकते थे। ये कपड़े है पड़े, हाँ सामान है, दुकान में पैसे मन्ना दे रखे, वो घर मन्ना लेकर दे रखा, उस घर में भी मन्ना है ना, इनके लाखों रुपये का कर्जा पाड़ गया, जेल में तो मैं लै रही न छुड़वा का, जेल में तो मैं लै रही न छुड़वा का है। और दूसरी बात, जेल में तो इसको छुड़वा के कर्जे इसके पा रखे हैं, लाखों रुपए के इसके कर्जे मैंने पा रखे। बताइए, मैं सतेली माँ का इनका ये भी आरोप है कि इनके बड़े बेटे को आपने यहीं पर बंधक बना के रख लिया है कि 3 लाख रुपए अपने इलाज के पहले अपने चुकाओ, उसके बाद मैं आपको आपका बेटा दूँ। मैंने 6 लाख का, 3 निका 6 का, हाँ मैंने 6 लाख का, मैंने 6 लाख का, जब इतना छोकरे के ऊपर कुनिया नू मारी, नुकुनिया मारी, छोकरे से बात कर सकते हो फोन के ऊपर, आप आपको मारते भी हैं? माँ मेरे को ही मारा। तो आपका बड़ा पोता कितने साल का है? मैं, मेरा बड़ा पोता 15 साल में लग रहा है, हाँ। उससे पहले उरी रह रहा था, पहले मैंने छोटा छोकरा भेजा, बेटा ये उसी तक के खाता पी रहा, इसको रख लो, छोटे छोकरे को लिया, ये मेरा मोहल्ला गुआई दिया, मोहल्ला मेरा गुआई दिया। एक बार जाना मैंने सवेरे आके 8 पैर जोड़े देने के आगे कि मेरा सामान दे दो, ये दे आंटी, एक मिनट आंटी आपको बुला रहा मैं। आप देख सकते हैं आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी मौके पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जैसे यहाँ पर पुलिस की PCR मौके पर आती है वैसे ही। सवेरे मैंने 8 पैर जोड़े देना कि मेरा सामान दे दो, मैं किराए पे जा रहा हूँ। तो जब मना किसने करी, गलत गुंडा लगा दिया जाना, मैं आपको बुलाने आया ना, पूरा सामान है के ले रहा हूँ, नहीं होगा नहीं कुछ, दोनों जगह से सारा सामान ले लेगा, मेरा वागा भी ले रखा, मेरे को सड़क पे ला रखा है, नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, सच्चाई बोलना, उनका खड़का है ना, मैंने लोगों ने उनका खड़का है, नहीं नहीं सच बोलना, मैं आप ही बोलोगे, मैंने देखा था दरवाजा बंद होते हुए, हाँ दरवाजा तो है, उनका खड़का है लोगों ने, उनका खड़का है लोगों ने, सालों ने उनका खड़का है ना, खोलो खोलो खोलो, बोलो सच बोलो आंटी, उठना बोलना, नंबर लो नहीं दो, सच बोलो सच बोलो, सारी दुनिया ने गुंडे का खाए, तो अच्छा खोल दो इसको, सामान दे दो, मैं रोया ये भी बता, क्यों मारा? मैंने बोला पहले क्यों मारा, क्यों मारा? अब सच बोल क्यों मारा? पहले आज जोड़े जो नहीं प्यास खड़े तेरे, मैंने ऐसे करा ना, मैंने कहा मम्मी देखो मेरा सामान दे दो, आंटी आंटी आपको मारते भी हैं? एक मिनट, आप ही अंदर आओ, अंदर आओ, आ रहे
आप रहो या रख दो, अंदर आके देखो अपना लोग। नहीं बोलो, मैं एक मिनट दिखाऊं, मैं अपना अपना दिखाऊंगी। क्या क्या नाम है आपका, कौन है आप, पड़ोसी हैं? हाँ बेटे पड़ोस के हैं। हुआ क्या, क्या मामला इनके घर का? इनका कोई मामला नहीं, माँ बेटा अच्छे रह रहा है, एक्सीडेंट हो जाता इसका। अब इसने इसकी दवाई दारू भी करी, इसको हॉस्पिटल से बिठा कर लाई, 6 लाख रुपए लगाया इसने, 6 लाख कह रही। और ये बच्चे भी हैं, घरवाली इसकी है नहीं। सर एक मिनट, घर में अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप लगाते हैं पैसा, तो बच्चों से पैसा वापस मांगते हैं? कोई नहीं मांगता बेटा, ये बात तो तेरे से कोई नहीं मांगेगा, माँ बाप का फर्ज है। कोई नहीं, वो गुस्से में कुछ। आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, आगे मालिक प्रकार का मेरा, मालिक को प्रकार का मेरे खिलाफ, मालिक को क्या लगता है मुझसे बात निकलता है? मालिक खाया पिया भी तेरा खोपरा हो जमी खा ले, कल का खाऊं मैं मरूंगा। अरे गौरव मां सुन, ए गौरव सच नहीं बोलोगे? नहीं मां सुन, बोल रहे हो तो बोल रहे हो, काम खत्म छोड़ दे, क्या भी छोरा उरा ओ जगह खराब। अरे आप तुम मरे दू, आप कौन है? मां इनके उरी पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। क्या इनके घर का क्या पूरा मामला है? इनके घर का कोई मामला नहीं, बहू बग्गी छोड़ के इसको, तब का इनका घर में चप्पा है, कहीं किसी के साथ रहती है, उरा रहा करना। और या डाले पोते पोतियां की मारी मरी पड़ी है, तो तब भी नहीं आई वो तो। इनका मामला तो पैसे का भी है, पैसे का तो हमारे को पता नहीं है। माँ 6 लाख रुपए मांग रही है, कहते हैं 10 है भाई, जब उसने लगा दिए कहाँ से देगा, ये इसके पास नहीं है, ये कहाँ से देगा? बस एक बार बता, माँ पैसे लगा के कुछ करती है तो वो ले थोड़ा लेगी। बड़े बेटे को यानी अपने बड़े पोते को भी रख लिया है कि जब 6 लाख दोगे तब मैं आपको अपना अपना जो पोता है रखा हुआ है वो आपका बेटा वापिस कर आए है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छोकरी के पास 10 दिन हो गया, पूरा धक्के खांदा फिरे करा था, और दिया भी कोई काम सीख देगा। जब तो इंद्री बड़ा था तेरे को कौन लाया? पड़ोसी लाए, तेरी माई तो लाई थी तेरे को। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मरा तो बचाया किसने? तेरी माँ ने बचाया उसका, उसका वो ले गए। अरे कोई उसका ले बाहर क्या, जब तेरे पास है ही नहीं कुछ देगा क्या? एक एक करके बात, नहीं जब तेरे पास है ही नहीं कुछ तो देगा क्या? एक मिनट है कुछ, फिर अपने आप बेच के। गौरव तो कह रही है कि मैं कमा सकता हूँ और मैं कमा लूंगा, लेकिन मुझे बस अपने बच्चे दे दो, मैं कहीं पर भी रह लूंगा। पागल पागल कह रही है मेरे को, काम कर रहा है इसका दिमाग, क्या लग रहा है दिमाग खराब है इनका? इसके दिमाग में चोट लग चुकी है, हाथ पैर इसके काम नहीं कर रहे। अच्छी खासी बात कर रहे हैं, सारी चीजें बताई हूँ, वो कर रहा है। मैं पागल हो गई बोला, आंटी इसे पूछो, ये यार कौन है, आप कौन है, क्या नाम है? मैं तो यहाँ रहते नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। दोपहर में, हाँ दोपहर में खड़काया, खड़काया था योना, नहीं खोला कुंडा तो खड़काया। अब इसने मारा इसको। एक मिनट आंटी, इनका कहना है मैं अपने छोटे बच्चे के साथ हूँ, आप अपना बड़ा पोता तो दे नहीं रहे इनको, कह रहे हो कि पहले पैसे दो, ये सच है या नहीं पहले तो ये बताओ? नहीं कोई सच नहीं है ये। एक मिनट मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट सर, मैं एक मिनट मैं बात कर रही हूँ। बड़े पोते को देने को तैयार हो इनको? नहीं क्यों, या बच्चे को काम आप करने लायक नहीं है, बच्चा मैं काम लाभ करूंगी, बच्चा संभाल नहीं सकते इसलिए नहीं दे रहे, कमाते नहीं है इसलिए नहीं दे रहे। और ये कह रहे हैं कि मेरे कपड़े नहीं दे रहे मुझे, कपड़े ये पड़े ऊपर दो रखे, ऊपर दो रखे ये कपड़े, मना क्या जरूरत थी धोने की? उन्होंने कहा था मैं अपना सामान लेना चाहता हूँ अपने घर से, सामान ले ले अपने कपड़े वगैरह, कपड़े यार ये कपड़े ले दो ले जे, और मेरा दुकान का सामान, दुकान का सामान, एक मिनट दुकान में पैसा मैंने दे रखा, एक रुपया नहीं देखा, झूठा बोलो, नहीं देखा, एक 2000 रुपए से ऊपर दुकान नहीं बचती, 1-2000 रुपए दुकान नहीं, आज दिखाओ, आज दिखाओ, एक मिनट क्या क्या दिखाने वाले हो? पैसे जो मैंने दे, कितने लाख है? 40,000 तो एक दे रखा, क्या मेरे को कोई मतलब नहीं था किसको दिया? एक मिनट बात खत्म करते हैं सर, क्या कुछ चाहिए आपको घर से? मेरे को मेरे घर का मेरा अपना सामान दिया जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया होता है। क्या क्या है, क्या क्या है वो सामान? मेरे पल्ले घर में सारा फर्नीचर है, मेरी दुकान का सामान है, मेरे कपड़े है। आंटी आंटी एक मिनट, आंटी मेरे बच्चे भी, एक मिनट, मेरे बच्चे बच जाएगी, नहीं मैंने अपने, एक मिनट सर, बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, बर्बाद होता है। एक मिनट आंटी सुनो, वो कह रहे हैं मेरा फर्नीचर है बनाया हुआ,
मेरे दुकान का सामान है, बताओ। चुप हो जाओ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन रेखा। जब इसके पास पैसे नहीं है तेरे को कहाँ से देगा पहले बता, फिर क्यों मांग दिया? सब तू पा रखा है, तू मांग रही है, रख दे एक मिनट, या तो इसको रख ले या इनको निकाल दे। अरे भाई और क्या, आपने बड़ा पोता रखा है, छोटा भी आपका ही है, वो भी दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर है। इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मालूम है मुझे, मालूम है। एक मिनट, फिर कैसे वो मांग रही है क्या? अच्छा, आपने आपने ये बात क्यों बोली कि वो ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको यही कहा, चुप हो जाना भाई। जब उसका एक मिनट, ये मारते हैं अपनी माँ को ये। हाँ, एक बार, एक मिनट मेरी बात, एक बच्चा है, तू भी हमारा बच्चा ही है, एक मिनट, हमारे बच्चे हो। हम आज से खाली है, अगर हमारी माँ हमारे को झिड़कती है या गुस्सा करती है तो हम उसके बाद का बुरा थोड़ा ही मानेंगे। अगर वो 7 लाख रुपया अपने पास अपनी मौत समझ के भी लगा सकती है, 6 लाख हो, 3 लाख हो या फिर 50 हजार, अभी वो कमाने की हालत में नहीं है। वो कह रहे मेरा ऑपरेशन होया हुआ है, ठीक है, तो उनको थोड़ा समय तो लगेगा, पर ये मांग भी नहीं रही, ये दे भी नहीं रहा। ये मेरे पे बाजार क्या, ये मेरे पे बाजार क्या, ये देखो, देने पैसे देने नहीं तो ना इन्हें लेने नहीं। मैं तो साफ गल करा, कैसे होगा इनका निपटारा? इनका तो हमारे को नहीं पता कैसे होगा, बाकी बाकी इन तेलों में तेल तो है नहीं। अब क्या करूं? एक मिनट आंटी, अब जो उन्होंने कमाया हुआ है, जो उनकी कमाई से है, वो तो वो ले जाए अभी। इसकी कमाई का कुछ नहीं है, इसकी कमाई नहीं है एक टके भी, इसकी कमाई बता एक टका नहीं। तो एक मिनट, इसकी मैडम से बात कर लो, मैडम जवाब देगी। उनका ये कहना है कि मेरा घर का सामान लूंगा, सामान नहीं, भैया कितना कमाता है, कमाई पूछना है। उनका ये कहना है कि इनके पापा की सरकारी नौकरी आपको मिली थी, ठीक है, आप रिटायर्ड हो। एक सेकंड मुझे बात करने दो, एक मिनट सुन, चार बंदे भी खड़े हैं, सुन ले, चार बंदे खड़े हैं ना, सुन ले, ये तो तूने सामान देना दे दे, अगर कल में इसको कुछ हो गया तो फिर कौन तेरे साथ खड़ा होगा? ले जा सामान अब अपना, कल क्या खाएगा? मैं यूरी रहेगा, यूरी रहेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने आप कमाऊंगा, मैं रहता नहीं तेरे पास, मैं नहीं रहता। बच्चे बच्चे दे जा, अभी चला जाएगा, चला बच्चे दे दो, बच्चे दे दो, छोटे ने भी दे जा, मैं भी दूंगा, मैं नहीं, उसके बच्चे देने तो नहीं है। मैं मैं बच्चे ने किस्तों मरवा दूं, मधु बच्चे ने किस्तों मरवा दूं, मैं बड़ी छोकरी के बच्चे का, मेरे पांच ने मेरे को बोला, बोला था ना जहाँ से बाहर बोलो, बोला था नहीं, बोला था आपकी आपकी मम्मी कह रहे हैं कि अब आप अपना सामान लेके जा सकते हो, लेके जाना है। हाँ, मेरा बेटा वो भी चला जाएगा, तेरी बहन के पास है ना, वो नहीं मिलता, क्यों तूने चार पड़ेगा उसका और उसको बर्बाद करना क्या है? वो तो कहते हैं मैं अपना बेटा वहाँ पे क्यों नहीं रखना चाहता? सुनो, वहाँ के जो उनके बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज सुनो, उन्होंने कल मेरे जिया जी को यानी मोसा को ये बोला, मैं आ रहा हूँ जान से मारने के लिए, जबकि उसकी बहन उसका पापा वहाँ बैठा रहा 10 बंदों के बीच में, उनने अपने मोसा को, मोसा 60 साल का है, धमकी रही उन मेरे को, कितनी बार धमकी रही है वो, मम्मा मैं तेरे को चांद से मारने आ रहा हूँ, ये पैसे गवा 3 बार का, 8 बार कैसे रहा मेरे को, अभी भी फोन करूँगा, अभी धमकी मिलेगी, अभी धमकी। अब आपको अपने घर से सामान चाहिए था, आपने कहा था मैं धर्मशाला रहूँ, कई रूम में कमा के अपने बच्चे को पाल सकता हूँ, ठीक है, अब आप अपना सामान लेके जा सकते हैं यहाँ से।
मम्मी बोलो मेरी बहन मेरी आपकी बहन बड़ी बहन बेटी क्या कह रही थी कि मैं इसको रख के घर से बाहर निकालूंगी मैं वो भी नहीं रहने देती ओपरी औरत में लावे था गैर औरत में लावेगा जबकि मेरे बच्चे बच्चे बर्बाद होंगे तो हम क्या करेंगे गैर औरत का अब आप क्या चाहते हो ये बता दो मैं तो इन बच्चों की अपने बेटे को रख सकते हो आप दादी मारे तेरे को तेरे पापा मारे पापा नहीं मारा बस अम्मा मारा रोज रोज मारती है क्या कहती है चुप है पर मारती है इसलिए मारती है तेरे को मैं दंगा करता हूँ थप्पड़ मारती है दंगा करने पे मारती है क्या वैसे भी मारती है तेरे को खाना देते हैं आपको रोटी देती है कौन देती है अम्मा देती है कि पापा देता है अम्मा देती है रोटी देख भाई प्यार नहीं करते आपको अम्मा प्यार नहीं करते आपको अम्मा करती है चलो सर आपको सामान चाहिए था अब आंटी सामान देने के लिए तैयार मेरा बेटा बेटे का पूछ लो मेरा बेटा बेटे का वो कह रहे हैं कि आप अभी इतना कमा नहीं रहे हो शायद बेटे को सही से रख नहीं पाओ गलत उसमें जा रहा है गलत जा रहा है वो गलत संगत में जा रहा है नहीं जाने का वहाँ उसका कह रहे बच्चे बड़े सियाने सर माँ जैसी दादी है दादी के पास है आप अपना अभी सामान लो तो अपने रहो उसके बाद हाँ आप अपने आप को साबित करो कमाओ अपने बच्चे की परवरिश करो उसके बाद आपको दूसरा बेटा भी मिल जाएगा ठीक है मंजूर है आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मंगल कॉलोनी में खड़े हुए हैं जहाँ पर माँ बेटे की आपसी कहीं ना कहीं समझौता होते हुए भी लग रहा है और एक नया पहलू भी सामने आया आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी भी जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें आप देख रहे हैं आई24 मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा अपने सहयोगी मालक सिंह के साथ इस खबर को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद